हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये हमारे हाइब्रिड हाइबिस्कस हैं और हाइब्रिड हाइबिस्कस में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, काफ़ी फूल आ रहे हैं। मैंने कई प्लांट इनके लगाए हुए हैं, सभी में अच्छी ग्रोथ चल रही है और सभी में बडिंग हो रही है और फूल खिल रहे हैं। काफ़ी सुंदर लगते हैं हाइब्रिड हाइबिस्कस फूल। इनके बड़े होते हैं, बड़े पेटल के, और कई रंगों में आते हैं। आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप क्या लगाना पसंद करते हैं। मैंने इनके कई कलर लगाए हुए हैं, मेरा फेवरेट कलर पिंक है, इसलिए से मैंने दो प्लांट पिंक के लगाए हुए हैं और दोनों में ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। यही मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने इन प्लांट्स को, और मैं बताऊँगी कि मैंने समय समय से इनकी कैसे केयर की हुई है कि इनमें फूल आ रहे हैं। बड़ों से ये हमारा प्लांट भरा हुआ है। आप अगर इसकी टिप को देखेंगे तो टिप में काफ़ी बड है और फूल भी खिल रहे हैं। तो अगर आप भी इसी तरह से केयर करेंगे तो आपके भी प्लांट में इसी तरह से बड आएंगे और उनमें काफ़ी ग्रोथ होगी, फूल खिलेंगे। यही सब हमारी आज की इस वीडियो में है। और आज मैं ऐसा क्या देने वाली हूँ अपने इन प्लांट्स को ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ बनी रहे और फूल आते रहें, बड़ों से प्लांट भरा हो और बगीचा हमारा देखने में अच्छा लगे, यही सब हमारी आज की इस वीडियो में है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अभी आप देख रहे हैं ये पिंक कलर के हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। इसके टिप में 6-6, 7-7 कलियाँ आई हुई हैं और सभी में अच्छी ग्रोथ चल रही है। मैं इसको आज कुछ ऐसा देने वाली हूँ ताकि इसकी ग्रोथ इसी तरह से बनी रहे और मैं पूरे समर इनसे फूल ले सकूं और ये हमारे गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहें। यही सब हमारी आज की इस वीडियो में है। हिबिस्कस में अगर समर में आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो अभी करें ये काम, और बहुत ज़रूरी है, तभी आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग हो पाएगी। मैं समय समय से कुछ ऐसा ही करती रहती हूँ और हमारे गार्डन में ये अच्छी ग्रोथ पर रहते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है। जब मैंने इनको लगाया हुआ था तो वीडियो आप लोगों से शेयर की हुई है और मैंने देखी प्लास्टिक के पॉट में इनको लगाया हुआ है। ये हमारे टेरेस पे ही रखे रहते हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। आप अगर इसकी मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी अच्छी तरह से ब्लैक है, और जब भी मैं प्लांट लगाती हूँ तो उसमें अच्छी तरह से मैं कंपोस्ट वगैरह मिला देती हूँ, जिससे कि हमारी मिट्टी अच्छी तरह से ग्रोथ पे हमारे प्लांट को रखते हैं। मिट्टी को जब भी बनाना है तो अच्छी वेल ड्रेन बनाएँ, उसमें आप सैंड वगैरह ज़रूर मिलाएं, तभी मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होगी और प्लांट आपका सालों साल चलता रहेगा। हिबिस्कस प्लांट को प्रूनिंग बहुत ही पसंद है, और जब ये डोरमेंसी पीरियड में हो तो आप इनको प्रून ज़रूर करिए। प्रून करने से इसमें कई ब्रांचेस आती हैं और जितनी ही ब्रांचेस आएंगी उतने ही इसमें बडिंग होगी और फूल खिलेंगे। इस प्लांट के लिए ख़ास बात है कि आप इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखें। इन दिनों काफ़ी धूप के वजह से मिट्टी जल्दी ड्राई हो रही है, तो आप अगर चाहते हैं कि इनके फूल तरोताज़ा बने रहें तो आप अच्छी तरह से इनकी मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखें, इस तरह से पानी दीजिए। अगर आपसे हो सके तो आप इसको दोनों टाइम पानी दीजिए, इसको पानी बहुत पसंद है, और इस प्लांट को अगर आप पानी देते रहेंगे तो आपका ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर रहेगा और इनमें फूल खिलते रहेंगे। गुड़ाई वगैरह आप समय समय से करते रहिए, इसमें से घास वगैरह जो भी है उसको आप निकालते रहिए। मैंने इसी तरह से केयर की हुई है और मैं ये सब काम करती रहती हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिट्टी अभी हमारे गार्डन में इस पॉट में बनी हुई है और मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है। इस तरह से मैंने पानी दिया हुआ है और आज मैं इसको पानी नहीं दूंगी, पानी मैं इसको कल दूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज हम इसमें क्या डालने वाले हैं। ये है वो चीज़, और ये है एप्सम सॉल्ट। अगर आप हिबिस्कस में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं समय समय से इसको अपने गार्डन में यूज़ करती रहती हूँ हिबिस्कस में, और हमारे गार्डन में हिबिस्कस अच्छी ग्रोथ पे रहते हैं। अगर हाइब्रिड हिबिस्कस आपको लगाने हैं और उनसे फूल लेने हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और ये आपके प्लांट को ग्रोथ पर रखता है। इसको देना कैसे है, अगर आप इसको थोड़ा सा मिट्टी में डाल दें तो भी ये अपना काम करता रहता है, और अगर आप इस तरह से नहीं देना चाहते हैं तो आप पानी में घोल करके और इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। मैंने ये लिया है 1 मग पानी, और इसमें 1 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट मिलाया हुआ है। इसको अच्छी तरह से
घोल लेंगे और घोलने के बाद में हम अपने इस प्लांट में दे देंगे कुछ इस तरह से। आप इस तरह से देने के बाद अगर चाहते हैं कि आपका प्लांट ग्रोथ पे रहे तो वाकई आपका प्लांट ग्रोथ पे रहेगा, और कुछ दिनों के अंतराल पे आप इसको फिर से दे सकते हैं, यानी 20-25 दिन के अंतराल पर ही दीजिए, जल्दी जल्दी मत दीजिए। जड़ों में तो मैंने इस तरह से दिया हुआ है, प्लांट की रूट्स काफ़ी अच्छी रहेंगी और प्लांट ग्रोथ पे रहेगा। उसके बाद भी अगर हम इसमें अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, इसके बड तरोताज़ा बने रहें और इसके फ्लावर तरोताज़ा बने रहें, तो एक तरीका और भी है और मैं उस तरह से भी इसको देती रहती हूँ। 2 लीटर की बॉटल में मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोल करके रखा हुआ है, वो ये है। इस बॉटल में मैंने पानी लिया है और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मैंने डाला हुआ है। अब हम इसमें स्प्रे की मदद से स्प्रे करेंगे, और स्प्रे ऐसा करना है ताकि आपका पूरा प्लांट भीग जाए, और इसको अच्छी तरह से स्प्रे करें। पूरे प्लांट को अच्छे से नहला देना है और ये शाम को करना है। मैं ऐसा ही करती रहती हूँ और हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बने रहते हैं। यही सब हिबिस्कस में मैं करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।